सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग रिटायर्ड हो गए हैं तो आप लोगों के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, आप लोग इसे पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। मैंने चैनल पे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी है, आप लोगों को कैलकुलेट करके भी बताया है। इसमें दोस्तों आप लोगों का क्या है कि जो आप लोगों के लिए जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोग 60 साल के नीचे के हैं, जिनको सीनियर सिटीजन अकाउंट खोलने का मौका नहीं मिलता है, उनसे आप लोगों को ज़्यादा ब्याज दरें इसमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा अमाउंट मिला है तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा पेंशन के रूप में, या फिर कह लीजिए कि 5 सालों का इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, आप लोगों को एक अच्छा अमाउंट और आगे चल करके क्रिएट हो सकता है। अब दूसरा दोस्तों आप लोगों के सामने है फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन। इसमें आप लोगों को टैक्स सेविंग भी मिलती है, आप लोगों को जो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट होता है उस पर आप लोगों को कई बैंक 0.5% ज्यादा देते हैं, कोई कोई तो आप लोगों को 0.8-0.9% ज्यादा देता है सीनियर सिटीजन के फिक्स डिपॉजिट के स्कीम्स पे। अगर आप लोग 5 सालों तक की फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो आप लोग इनकम टैक्स से भी बच सकते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को रिटायरमेंट में जो अमाउंट मिला है उस पर आप लोगों का टैक्स भी ना लगे, तो आप लोग ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करके अपना टैक्स भी बचा सकते हैं और अच्छा कमा भी सकते हैं आने वाले 5 सालों में। ये खास करके उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो लोग 55 से 60 के बीच में रिटायर्ड हो जाते हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं भैया कि हम अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें, हमारे पास जो भी अर्न होकर के आया है, जितना भी हम लोगों ने कमाया है अभी तक, हम लोग अभी भी उससे अर्न करते रहें, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और मैं कहूँगा दोस्तों कि आप सभी वर्ग के लोगों को इन्वेस्टमेंट के पीछे थोड़ा सा लग करके रहना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का पैसा सही तरीके से काम कर सके। अब जो नेक्स्ट स्कीम मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आप लोग नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये NCD होती है, आप लोग समझ लगते हैं कि एक तरह की FD आप लोगों को मिलती है, जो कि आप लोगों का थोड़ा सा रिस्क होता है। ये आप लोगों का जिस भी कंपनी का NCD लेते हैं उसमें क्या है कि अगर वो आप लोगों की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप लोगों का पैसा सेफ है। इसमें भी दोस्तों आप लोगों का क्या है कि एक फिक्स्ड रिटर्न होता है, जैसे कि आप लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट पे इतना बता दिया जाता है कि 8% रिटर्न आप लोगों को मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में 5 साल बाद, 6 साल बाद, जिस भी तरह की आप लोग FD कराते हैं, तो उसी तरह से NCD में भी है। लेकिन बात क्या रखने वाली ध्यान है कि आप लोगों के सामने NCD कई तरीके के आते हैं। एक तो आप लोगों के, जैसे कि मैं बता दूं कि कई सारी कंपनी आप लोगों की, जैसे कि ICRA हो गई, या फिर आप लोग कह लीजिए इस तरह से कई सारी रेटिंग कंपनियां हैं जो कि इन तरह के NCD को रेट करती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको समझ सकते हैं कि हाँ इसका NCD सेफ है। आप लोगों को बता दूं कि फिक्स डिपॉजिट से एक बेहतर रिटर्न निकल करके आ सकता है NCD से। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, आप लोग अपने बैंक का भी डीमेट अकाउंट यूज कर सकते हैं, आप लोगों के बैंकों के भी NCD लाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ पॉपुलर और अगर हम लोग सेफ की बात करें, जहाँ पे आप लोगों को जैसे कि इकरा आप लोगों का AAA रेट दिया हुआ है, तो आप लोग समझ लीजिए कि वो NCD आप लोगों के लिए एक स्टेबल NCD है। आप लोग फिक्स डिपॉजिट की तरह उस पर भी एक फिक्स्ड रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे HDFC का हो गया NCD, आप लोगों का ICICI का हो गया, आप लोगों का SBI का हो गया, तो इस तरह के बैंक भी आप लोगों के सामने NCD लेकर के आते हैं। एक स्टेबल है, फेथफुल भी है, और आप लोगों को भरोसा भी है अपने बैंक पे कि बैंक हम लोगों का दिवालिया कभी नहीं होगा, न बैंक में किसी भी तरह का घपला वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह के NCD आप लोगों के, अगर हम बैंकों के अलावा भी कई भी कॉरपोरेट की बात करते हैं, तो वहां भी इस तरह की जो भी रेटिंग कंपनियां हैं उनकी रेटिंग आप लोग देख करके, भरोसा करके उन पे आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप लोग NCD का अगर चूज करते हैं, या फिर अगर इस तरह की जो कंपनियां क्रैसिल हो गई, इकरा हो गई, तो ये सब जो रेट करती हैं इनका क्या मतलब होता है, किस तरह से ये लोग रेटिंग करती हैं, और अगर आप लोगों का AAA, AA, A+ रेटिंग है तो उसका क्या मतलब होता है, तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जल्द ही आपको ये वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप लोग कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो आप लोग चैनल पे भी जाकर के विजिट कीजिएगा, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को देख लीजिएगा। अगर वीडियो अपलोड हुई होगी तो मैं वहां पे आप लोगों को लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को वीडियो आराम से मिल जाए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने कॉर्पोरेट की भी बात करी थी, तो अगर आप लोग रिटायर्ड हैं तो देखिए आप लोगों को अब थोड़ा सा मैं रिस्क की तरफ ले जा रहा हूँ। अभी तो मैंने आप लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करी, जहां से आप लोग एक फिक्स्ड रिटर्न निकाल सकते हैं।
अब आती है दोस्तों कॉरपोरेट एफडीज की बात। ये होती है कंपनीज की एफडी, ये आप लोगों के सामने लेकर के आती है। जैसे कि अभी हॉकिंस कुकर का फिक्स डिपॉजिट निकल करके गया था, ये अभी फिलहाल मेरे ख्याल से बंद हो गया है या फिर चालू भी है, मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर डेट लिख दूंगा, आप लोग जाकर के देखिए। मैंने हॉकिंस कुकर के फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करी है, आई थिंक 30 सितंबर को उसकी लास्ट डेट थी उसमें एंट्री की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने एक दिन और है। तो इस तरह की जो भी फिक्स डिपॉजिट है कॉरपोरेट के, उसकी भी क्राई सेल इक्रा या फिर इस तरह की जो भी रेटिंग कंपनियां हैं, आप लोगों को कई सारी वेबसाइट्स पर भी इनकी रेटिंग मिल जाएंगी, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इनमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, कितनी सेफ कंपनी है, हमको किस तरह से ये रिटर्न दिला सकती है, क्या हमारा पैसा सेफ है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट भी एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप लोग रिटायर्ड होकर के आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं आप लोगों के पास और एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं। एक हम लोग कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट एफडीज भी आप लोगों को एक फिक्स रिटर्न देती हैं, यानी कि आप लोग इन पे भरोसा कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रिस्क की तरफ और बढ़ते हैं, वो है आप लोगों का म्यूचुअल फंड और ELSS। अब म्यूचुअल फंड और ELSS मैंने दो क्यों बताए आप लोगों को, बल्कि दोनों तो एक ही पार्ट है। ELSS में क्या है कि आप लोगों की टैक्स सेविंग भी हो जाती है, ये होती है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें आप लोगों के 80C के अंतर्गत जो भी आप लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे 1.5 लाख तक का आप लोगों का टैक्स बच जाएगा। और म्यूचुअल फंड में आते हैं दोस्तों जो ELSS को छोड़ करके फंड है उनमें आते हैं, एक लार्ज कैप के फंड चूज करते हैं या फिर अगर आप लोग मिड कैप के भी फंड चूज करते हैं, तो आप लोग अगर थोड़ा सा और समय देते हैं, जैसे कि 5 साल ना होकर के 7 साल 10 साल इस तरह का समय देते हैं रिटायर्ड होने के बाद, ये उन पर्सन्स के लिए काफी अच्छा है जो लोग प्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, 55 सालों पर रिटायरमेंट ले लिए या फिर 50 साल के हो गए तो वो रिटायरमेंट ले लिए, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट काफी सेफ है, या फिर कह लीजिए कि उनके लिए इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा होगा क्योंकि उनके पास थोड़ा लंबा समय होगा। अगर आप लोग 60 साल के रिटायरमेंट एज पे हैं तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा तो एक अच्छा सा सलाहकार पकड़िएगा, एडवाइजर पकड़िएगा जो आप लोगों को समझा सके बता सके। बाकी हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए कई सारी वीडियोस लेके आता रहता हूं और चैनल पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी बातें करी हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट की कैसे आप लोग चूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है तभी आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं तब जाकर के आप लोग म्यूचुअल फंड में आइएगा या फिर ELSS में आइएगा। बाकी आप लोग फिक्स डिपॉजिट देख सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स की स्कीम देख सकते हैं, आप लोग NCD देख सकते हैं, कॉरपोरेट FDs भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट हैं जो कि आप लोग रिटायरमेंट के बाद कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी एज वर्ग के हैं, रिटायरमेंट अभी नहीं हुई आप लोगों की, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने लिए, क्योंकि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर काफी सुरक्षित हो, तो अपने लिए लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, खास करके सीनियर सिटीजन्स के साथ, जिससे कि अगर उनकी रिटायरमेंट आने वाली है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को एक बार आइडेंटिफाई कर सके और सही जगह वो इन्वेस्ट करके अपने पैसे पे फिर से वो कमाएं, जैसे कि अभी तक ड्यूटी करके कमाते थे अब वो इन्वेस्ट करके कमाएं रिटायरमेंट के बाद। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, जय हिंद।